और काफ़ी देखेंगे तो जो यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए, उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। वही सब भीड़ इधर आ चुका है घूमने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो मेरा नाम है मनोज प्रजापति और मेरे चैनल का नाम है सेल्फी बॉय। और इस टाइम हूँ राजघाट, जो कि नमो नमः घाट पर रैली होने वाली है, जो कि सीएनजी गैस की। मैं आप लोग को वही वीडियो में दिखाऊंगा और आदित्यनाथ योगी जी भी आने वाले हैं, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और देख सकते हैं सब इसी में बोर्ड वोट लगा हुआ है, सीएनजी बोर्ड रैली वही होने वाला है। और उस साइड देखेंगे तो तैयारी किया जा रहा है, जो कि अभी नहीं आए हैं वो भी जल्दी आने वाले हैं। और आप लोग नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को बनाकर दिखाते रहें। दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इधर सजाया गया है, और उस साइड में नमो नमः जो घाट है वहाँ पर भी सिक्योरिटी तैनात हैं। और ये नाव देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर तैयारी किया जा रहा है आने के लिए। और 140 करोड़ भारतीय एक सपना, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आप लोग को। इसी तरफ काफ़ी लंबे तक बोर्ड लगा हुआ है, और IEW का मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए लिखा है ना, इंडिया एनर्जी वीक 2023 लिखा हुआ है, वो यही बनाया गया है, देख सकते हैं। और ले चलेंगे आप लोग को, आगे भी दिखाएंगे, इसके बारे में जानकारियाँ देंगे। चलिए आइए आप लोग को थोड़ा पास से दिखाते हैं, आप लोग हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देख सकते हैं, और ये अपना राजघाट पुल है। इधर जो फोर व्हीलर गाड़ी आया हुआ है, पार्किंग बना हुआ है, इसी तरफ रुक रहा है, और देख रहे हैं सभी इसी तरफ, सभी बोर्ड लगा हुआ है, जो कि रास्ते में देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। विश्व के लिए एक ऊर्जा सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना, देख रहे हैं। और इधर साइड में भी देखेंगे तो सिक्योरिटी उकोटी भी तैनात हैं, अभी आए नहीं हैं, कुछ देरी बाद आएंगे। आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इसको सजाया गया है, देख रहे हैं। और जो सीएनजी गैस है जो नाव में भरी जाती है, वहीं पर आएंगे, जो कि रैली है। और इस साइड में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम वोग्राम करने के लिए साउंड वाउंड सभी रखा हुआ है। और इस साइड में देख रहे हैं सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है नमो नमः घाट पर, इसे बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं दोनों तरफ बोर्ड लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि शाम को टाइम आने वाले हैं यहाँ पर। और काफ़ी देखेंगे तो जो यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए, उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है, घर से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, बस पैदल वाले जो हैं वही आ सकते हैं, देख रहे हैं। और आगे से रास्ता, जो कि जो नमो नमः घाट है, सिक्योरिटी लगे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी अच्छा और अद्भुत यह बना हुआ है, जो कि उन्हीं की तैयारी के लिए यह बोर्ड लगाया गया है, आदित्यनाथ योगी जी। और वहाँ से एंट्री नहीं है, जो कि बंद कर दिया गया है। और देख सकते हैं अपने घाट का प्लेट बनाया गया है कुछ इसी प्रकार, जो कि रात में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, देख रहे हैं। दोस्तों सीएम योगी जी को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, और देख सकते हैं ये उस साइड में बंद कर दिया गया है। और देख सकते हैं ये बोर्ड भी लगा दिया गया है, किसी को नहीं जाने देना है 22 जनवरी। और देख सकते हैं सभी लोग इधर आ रहे हैं लोग घूमने के लिए। ये आपका जो कि नमो नमः घाट है, खिड़किया घाट से ये जुड़ा हुआ है। और ये आप चले जाएंगे आगे तो राजघाट पड़ेगा, जो कि ये राजघाट में ही पड़ा है, ये भी पहले ये सब कुछ नहीं बना था, जो कि अब बन चुका है काफ़ी अच्छा। और देख रहे हैं काफ़ी सिटी टेंट वेंट भी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, जो कि थोड़ा पास से भी ले चलकर आप सबको तो दिखाएंगे। ये देख सकते हैं सभी को बंद कर दिया गया है इधर से बोर्ड लगाकर, और आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बंद कर दिया गया, जो कि उस पार आप जा नहीं सकते।
जो कि वह देख सकते हैं सीएनजी जो गैस होता है वहाँ पर काफ़ी अच्छा सजाया गया है जो कि गेंदे और फूल से। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा घाट से घाट एक जुड़ा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं तो मॉर्निंग के टाइम नमो नमो घाट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। वही सब भीड़ इधर आ चुका है घूमने के लिए। आपको नीचे भी दिखाएंगे कैसा लग रहा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, शानदार एकदम। मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। और यहीं से स्नान भी लोग करते हैं नीचे उतरकर इस साइड से, ये देख रहे हैं अभी ये सब भी नीचे का भी पूरा अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए ये नीचे उतरने के लिए बना हुआ है जो कि स्नान करने के लिए लोग इसी से जाते हैं उतर कर सीढ़ी से। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग नहा भी रहे हैं। और पहले से कितना साफ हो गया है पानी। काफी बढ़िया लग रहा है। और ये जो वाइट वाइट टेंट आपको दिख रहा है ये ठीक सामने ये सिटी टेंट है जो कि वाराणसी में भी लगाया गया है गंगा उस पार, जो कि जो दशाश्वमेध घाट है ठीक उसी के उस पार लगाया गया है जो कि पर्यटक लोग आ रहे हैं वहीं पर ठहर रहे हैं, वहाँ पर पूरी सारी व्यवस्थाएं दिया गया है। हालांकि दोस्तों आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देख सकते हैं जो कि राजघाट पुल पर मैं आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगा इस घाट पर। और काफ़ी देख रहे हैं भीड़ लगा हुआ है जो कि सेल्फी लेते हुए सब लोग ये। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि रैली का सीएनजी गैस का रैली किया गया है जो कि आदित्यनाथ योगी जी अभी नहीं आए हैं। और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये आपका नमो नमा घाट है जो कि आएंगे यहीं पर रैली करने के लिए। और ये जो टेंट लगा है वो वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है, उसी के नीचे बैठकर बातें करेंगे और काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगा है। और उसी के ठीक सामने ये आपका जो दिख रहा है वो हेलीपैड बनाया जा रहा है जो कि अभी काफ़ी दिन लगेगा उसको तैयार करने के लिए। और कोई भी पर्यटक लोग को जाने नहीं दे रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए। ये देख रहे हैं सीएनजी गैस जो है इसे सजाया गया है और काफ़ी ना इसमें देखने को मिलेंगे। और इस साइड में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख रहा है, ठीक है।